नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फिरोजपुर से आ रही है। फिरोजपुर में जनता कर्फ्यू का पूरा असर है। बाजार पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहे हैं। फिरोजपुर शहर तथा फिरोजपुर छावनी में जनता कर्फ्यू का पूरा असर दिखाई दे रहा है। हमारे प्रतिनिधि सुखचैन सिंह यहाँ पर मौजूद है, उनके द्वारा ये तस्वीरें हमें भेजी जा रही हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं किस तरह से फिरोजपुर में बाजार सुने हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा बाजारों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से जनता कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है। लोग कोरोना वायरस के खिलाफ छेड़ी गई जंग में पूरा साथ दे रहे हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फिरोजपुर शहर व फिरोजपुर छावनी का यह दृश्य है जहां पर जनता कर्फ्यू का पूरा असर दिखाई दे रहा है। लोग पूरी तरह से अपने घरों में मौजूद हैं। बाजार पूरी तरह से सूने नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं, जबकि पूरी तरह से यहां पर जनता कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। जनता कर्फ्यू का जिहड़ा ये प्राइम मिनिस्टर साहब वालों संदेश आया है, मैं देख रहा पूरे लोग आम जनता नूं पूरा सहयोग दे रही है। सारे लोग आप अपने घर आइसोलेट हुए ने, बिल्कुल जरूरी जिहड़ियां सरकार वालों अलाउड जिहड़ियां सर्विसिज ने उही लोग बाहर ने, वह भी एहतियात वरतते हुए जो सरकार वालों हैल्थ डिपार्टमेंट वालों उन्होंने एडवाइज़ किया गया, बड़ी चंगी गल है। आपां सारे जे इस गल दे विच पूरा पूरा सहयोग देईए, रल के चलीए, रल के ये जिहड़ा वायरस दा सहम लोकां च पैदा होया है इहनूं पूर्ण तौर ते जड़ों खत्म करना तां आपां नूं सब नूं रल के चलना पवेगा। बड़ी वधिया गल है कि लोग अपने आप विच सहयोग दे रहे ने, किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं पई। ये संदेश प्राइम मिनिस्टर दा थले तक लागू हो के असीं इस बीमारी नूं जड़ों पुट्टण च कामयाब होवांगे। उहदा इक्को इक तरीका है आइसोलेशन, भावें किसी नूं इहदी इनफेक्शन होई है जां नहीं होई है, एक बार ये चेन आप सारे तोड़ दिए आप कामयाबी हासिल करांगे। सानू उम्मीद है जल्दी ये वधिया सिट्टे निकलेंगे। SSP साहब ने ईवन फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिलका बड़े अच्छे प्रबंध किए ने और लोग अपने आप आए ने अगे इस काम के सहयोग देने दे ली। सब तो वड्डी और कामयाबी साड़ी ये है साडे देश की। सर, एक जी अफवाह काफ़ी जड़ियाँ सोशल मीडिया के उत्ते उड़ाइया जा रही है, DGP पंजाब वालों भी ऑर्डर है कि जो परचे उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखो, जिमें जनता ये सहयोग दे रही है वो भी सहयोग देवे कि फालतू दी अफवाह ना फैलावे। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों ये उत्ते हर रोज़ प्रेस रिलीज़ होंदा है, ब्रीफ किया जाता है कि सिचुएशन है, की चल रहा है। सिर्फ उही विश्वास योग है, बाकी सारिया गल्लां पूर्ण तौर पर विश्वास योग नहीं है। कुछ अफवाह बड़ी गलत लोगों के सहम पैदा कर रही हैं, ये तो गुरेज करना चाहिए। और ये एक और हदायत ने कि जो कोई यह जान बुझ के कर रहे तो कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। उपर गलत मैसेज वायरल हो रहे हैं, कोई फिरोजपुर के कोई मामला सामने आया हो? बिल्कुल, अजय कोई यह जहाँ मामला सामने नहीं आया। असी लोगों को पूरा अवेयर किया है, लोग साडा साथ दे रहे हैं। प्रोपर तौर पर पूरा जिहड़ा हैगा बाजार वगैरह सारे बंद रहे। मैं पब्लिक दा, फिरोजपुर दे लोकां दा थैंक्स करदा जिन्होंने कोऑपरेट किया। सर, कोई मैरिज पैलेस दे विच कोई ब्याहां नूं लैके जां कोई नवां कोई मैरिज पैलेस? असीं पहले ही ऑलरेडी होटल्स चैक कर ले सी, मैरिज पैलेस वालिआं नूं मैसेज दित्ता सी, बिल्कुल बंद ही ने ते कोई इहो जिही गलबात सामने नहीं आई साडे। थैंक यू। हाँ जी सर, की कहना तुहाडा? ये सरकार ने जो फैसला लिया बहुत वधिया शलाघायोग फैसला लिया है। तो रेलवे वालों ट्रेना वगैरह बिल्कुल बंद कीतियां गई हैं, कोई भी आवाजाही नहीं है। तो जो भी साड़ी पुलिस वालों बहुत वधिया ड्यूटी की जा रही है, असी GRP पुलिस वालों बहुत वधिया ड्यूटी की जा रही है। असी फिरोजपुर विखे अपनी ड्यूटी पर पूरे मुस्तैदी नाल, तनदेही नाल ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक।
ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਘਰੋਂ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ।